हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूले। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टू वाटमीटर मेथड। तो देखिए, आप चाहे एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ईएससी की तैयारी कर रहे हो या गेट की तैयारी कर रहे हो, टू वाटमीटर मेथड हर एग्जाम के लिए मेजरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, राइट? तो इसका कॉन्सेप्ट तो हमने काफी डिटेलिंग में पिछले लेक्चर में देख लिया था। अब हमें देखना है कि क्या जो हम कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको हम अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना? तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। इजी इजी क्वेश्चन रखा है मैंने एकदम। तो चलिए देखिए, द लीस्ट नंबर ऑफ सिंगल फेस वाटमीटर रिक्वायर्ड टू मेजर टोटल पावर। देखिए यहां पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, लीस्ट नंबर ऑफ सिंगल फेस वाटमीटर रिक्वायर्ड। जैसे ही ये स्टेटमेंट आपने पढ़ा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमसे वाटमीटर निकालने को पूछा जा रहा है, मतलब कि क्या इसमें क्या यूज होने वाला है, ब्लॉन्डल्स थ्योरम। ये हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे ब्लॉन्डल्स थ्योरम यूज होने वाला है, जो चीज हम अच्छे से जानते हैं। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप अगर नोट्स मेंटेन कर रहे होंगे तो उस ब्लॉन्डल्स थ्योरम का पेज खोल लीजिए, ठीक है ना। टू मेजर टोटल पावर कंज्यूम बाय एन अनबैलेंस्ड लोड। अनबैलेंस्ड लोड में कितना वाटमीटर यूज होने वाला है। अब पहले आप मुझे ये बताइए, क्या ब्लॉन्डल्स थ्योरम अनबैलेंस्ड लोड के लिए एप्लीकेबल है? है? जी हाँ है, ठीक है। तो ब्लॉन्डल्स थ्योरम आपका बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों के लिए एप्लीकेबल है, राइट? तो यहां पे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी ब्लॉन्डल्स थ्योरम को अप्लाई करने में। नाउ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, फेड फ्रॉम थ्री फेज फोर वायर सिस्टम, ठीक है। थ्री फेज सप्लाई है और कितने वायर है, चार वायर है, राइट? आपको मैंने एक ब्लॉन्डल्स थ्योरम के एग्जांपल में भी बताया था क्या कि एक तो सिंगल फेज का मैंने एग्जांपल लिया था, थ्री फेज थ्री वायर का लिया था और थ्री फेज फोर वायर का लिया था। थ्री फेज फोर वायर में क्या होता है कि आपका एक न्यूट्रल पॉइंट मैंने दिया था। तीन फेज तो होते ही है आर वाई बी और एक न्यूट्रल पॉइंट। इसका मतलब ये कि जब हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट होगा, ठीक है, जब भी हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल होगा तब हमारे पास कितने वाटमीटर्स की जरूरत होगी, अगर n फेज है तो n वाटमीटर्स की। अगर न्यूट्रल नहीं अवेलेबल है तब अगर हमारे पास n फेज है तो हमारे पास कितने वाटमीटर्स की जरूरत होगी, n माइनस वन। तो न्यूट्रल अवेलेबल है कि नहीं ये देखना बहुत जरूरी है। तो यहां पे जब थ्री फेज फोर वायर सिस्टम बोला गया है इसका मतलब क्या कि यहां पे न्यूट्रल अवेलेबल है और यहां पे कितने वाटमीटर्स यूज होने वाले हैं, यहां पे हमारे पास यूज होने वाले हैं n वाटमीटर्स और n किसके इक्वल है, थ्री के, तो n थ्री वाटमीटर्स, ठीक है। इन एन n फेज सिस्टम, इन एन n फेज सिस्टम इफ न्यूट्रल इज अवेलेबल देन नंबर ऑफ वाटमीटर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू n, एंड इफ न्यूट्रल इज नॉट अवेलेबल देन नंबर ऑफ वाटमीटर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू n माइनस वन, ठीक है। एंड दिस ब्लॉन्डल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर बोथ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड लोड, राइट? और टोटल पावर इज टोटल पावर कंज्यूम बाय द लोड इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द रीडिंग्स ऑफ द वाटमीटर्स। ये चीज हमें ब्लॉन्डल्स थ्योरम बताता है। तो यहां पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है, ठीक है, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम, राइट। क्वेश्चन नंबर टू, इजी क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर वन समझ में आ गया होगा आपको, ये एसएससी जेई में आया हुआ है आपके प्री में, ठीक है। नाइन, अब क्वेश्चन नंबर टू, इन द मेजरमेंट ऑफ पावर इन अ बैलेंस्ड थ्री फेज सर्किट, मेजरमेंट ऑफ पावर इन अ बैलेंस थ्री फेज सर्किट बाई टू वाटमीटर मेथड इफ द टू वाटमीटर्स शो इक्वल रीडिंग्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। शो इक्वल रीडिंग्स का मतलब क्या हो रहा है, इस लाइन का मतलब क्या हो रहा है ये बताओ मुझे। ये लाइन मुझे ये बता रही है क्वेश्चन नंबर टू में, क्वेश्चन नंबर वन हो गया, कि W1 और W2 की रीडिंग सेम होने वाला है। ये लाइन हमें ये बोल रही है कि वाटमीटर रीडिंग शो इक्वल रीडिंग्स देन द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज। अगर इक्वल रीडिंग शो कर रही है रीडिंग्स दोनों वाटमीटर्स की तो पावर फैक्टर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। अब पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए मुझे, कॉस फाई किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ फाई किसके इक्वल होता है, हमने डिराइव किया था बहुत अच्छे तरीके से, टेन इनवर्स ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन प्लस ओमेगा वन प्लस ओमेगा, ठीक है, ये राइट। तो आप यहां पे ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू भी कर सकते हो, ओमेगा टू माइनस डब्ल्यू टू भी कर सकते हो। कंडीशन क्या है कि हम यहां पर ये जो डब्ल्यू टू है
इसको क्या मान रहे हैं, हम इसको मान रहे हैं cos 30 माइनस 5 वाला, है ना, VPH IPH cos 30 माइनस 5 और W1 क्या है cos 30 प्लस 5, तो 30 प्लस 5 बढ़ेगा, cos की वैल्यू कम होती जाएगी, तो यहाँ पे W1 को मैं छोटा मान के चल रहा हूँ, कहीं कहीं जगह पे W1 भी लिखा रहेगा तो आप W1 माइनस W2 भी लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे, हम डायरेक्टली क्या समझ लेंगे कि हमको इंटरचेंज कर दिया गया है वैल्यूज को, बस और कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये हमारे पावर फैक्टर की वैल्यू है, राइट। अब जैसे कि बोला गया है कि क्या पावर फैक्टर आएगा, तो क्या कंडीशन दिया हुआ है, W1 is equal to W2, तो यहां पे अगर ये दोनों चीज इक्वल हो जाते हैं, ये दोनों चीज अगर इक्वल हो गए तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के, तो यहां पे क्या आ रहा है cos of tan inverse जीरो, ठीक है, tan inverse जीरो which is how much cos जीरो which is how much यूनिटी, तो पावर फैक्टर क्या हो रहा है आपका, यूनिटी हो रहा है, तो ये तो हो गया आपका ऑप्शन बी, राइट। तो देखिए आपको कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछा आ रहा है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही, सिंपल सा हमें बोला गया था, और देखो ये टेबल हमने बना के भी दिखाया था आपको, जीरो जीरो डिग्री 30 डिग्री और आपका 60 डिग्री और 90 डिग्री का मैंने वैल्यू लिया भी था, दिखाया था आपको टेबल में कि इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑन वॉट मीटर रीडिंग्स, तो उसी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया, राइट। ये भी आपका प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री के ऊपर चलते हैं, When two wattmeters W1 and W2 are used to measure power input to a synchronous motor, each of indicates 60 kilowatt. Each of indicates 60 kilowatt. Question number three, क्या बोल रहे हैं हम? Each of indicates 60 kilowatt. मतलब कि आपका दो wattmeters use किया जा रहा है W1 और W2 और दोनों के दोनों आपका कितना दिखा रहे हैं यहाँ पे? Indicate 60 kilowatt. ठीक है? यहाँ पे मतलब कि क्या टोटल पावर आपका इक्वल हो रहा है W1 प्लस W2 इक्वल टू 60 किलोवाट, राइट। इफ द पावर फैक्टर इज टू बी चेंज्ड, देखो अगर दोनों अभी 60 यहां पे 120 हो गया, सॉरी ये 120 किलोवाट हो गया, क्यों 120 किलोवाट हो रहा है, क्योंकि W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू 60 किलोवाट अभी है, ठीक है। तो टोटल पावर हमारे पास क्या आ गया, W1 प्लस W2 दैट इज 120 किलोवाट, क्यों 120 किलोवाट, क्योंकि W1 और W2 की वैल्यू हमारी इक्वल है जो कि है 60 किलोवाट की, राइट। अब जैसे कि अगर ये W1 W2 इक्वल है तो पावर फैक्टर क्या रहा होगा, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा यूनिटी हो रहा होगा, पर अब हमें क्या बोला जा रहा है, इफ द पावर फैक्टर इज टू बी चेंज्ड टू 0.866 लीडिंग, पावर फैक्टर को यूनिटी से 0.866 लीडिंग किया जा रहा है, राइट। तो ये कीपिंग टोटल इनपुट पावर सेम, तो ये जो टोटल इनपुट पावर होगा ये अब हमारा कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है, इसको सेम रखेंगे हम, ये कांस्टेंट बोल सकते हो आप, ठीक है। टोटल पावर आपका 120 किलोवाट रहेगा, ये फिक्स्ड हो चुका है, पर पावर फैक्टर अभी दोनों वाटमीटर्स की रीडिंग सेम है तो कितनी होगी, यूनिटी पावर फैक्टर, पर उसको अगर हम चेंज कर रहे हैं 0.866 लीडिंग में तो क्या हो रहा है, ये cos 5 इज इक्वल टू 0.866 किसके इक्वल होता है, रूट थ्री बाई टू, है ना, रूट थ्री बाई टू के इक्वल होता है, और ये किसके इक्वल होता है, cos 5 इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज आपका फाइव क्या है, फाइव है 30 डिग्रीज दिख रहा है मुझे यहां पे, मतलब कि अब हमें पहले क्या था पावर फैक्टर, पहले आपका पावर फैक्टर एंगल था जीरो, जीरो से मैं फाइव को कर रहा हूं 30 डिग्री, पावर फैक्टर फाइव को मैं जीरो से, फाइव जो है आपका वो आपका जीरो से 30 डिग्री जा रहा है, पावर फैक्टर कहां से कहां चेंज हो रहा है, पावर फैक्टर आपका चेंज हो रहा है जीरो यूनिटी से 0.866 लीडिंग में, और इस दौरान इस चेंज के दौरान आपका टोटल पावर कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है, ठीक है। अब अगर जैसे ही हम चेंज किए वन से यूनिटी से लेकर 0.86 लीडिंग में, तो रीडिंग ऑफ W1 किलोवाट इज वॉट, ये पूछा जा रहा है कि कितनी रीडिंग होगी, तो ये आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं इसको, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट चेक करेगा। ठीक है, तो ये देखो ये आपका
पावर फैक्टर आप कितना है, cos phi is equal to 0.866 leading, चेंज हो गया तो ये है ना, ये चेंज हो गया। इसका मतलब कि क्या ये किस 0.866 किसके इक्वल हो रहा है, इसको मैं लिखता हूं रूट थ्री बाई टू कॉस ऑफ टेन इनवर्स, हाँ कॉस ऑफ टेन इनवर्स डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन अपॉन W1 प्लस W2। ये चीज है ना, ये हो रहा है। अब इसमें की वैल्यू तो मुझे पता है, इतनी वैल्यू तो कितनी है 120 की, ये आ रही है 120 किलोवाट, राइट, क्योंकि यहां पे देखो कांस्टेंट है हमारा पावर है ना, और यहां पे अगर मैं देख रहा हूं cos phi is equal to this much आ रहा है, तो cos inverse इसको इधर मैं करता हूं तो कितना आ रहा है आप देखो, एक cos को cos inverse करने से cos inverse cos इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, cos inverse root 3 by 2, तो किसके इक्वल होगा, phi is equal to 30 degree, तो ये हो गया 30 degree is equal to 10 inverse w2 minus w1 upon 120। अब एक और चीज देखो, 10 इसको लोगे तो कितना आ जाएगा 1 by root 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 10 इनवर्स है इधर, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 10/30 हो जाएगा, 10/30 क्या होता है 1 by root 3 होता है, 1 by root 3 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 120, ठीक है, ये चीज लग रहा है मुझे, राइट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आपने देखा कि मैं फिर से भूल गया यहां पे रूट थ्री लेना है ना, ये चीज मैं हमेशा गलती करता हूं, आप ऐसा गलती नहीं करेंगे, यहां पे रूट थ्री में छोड़ रहा हूं, यहां पे रूट थ्री आ रहा है, क्या पिछले क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में भी भूल गया था कि मैं, तो उसको आप करेक्ट करेंगे ना कि रूट थ्री रहेगा यहां पे, तो ये क्या हो गया आपका रूट थ्री को नहीं भूलना है यार, हर बार गलती होता है, पर अच्छा हुआ कि इस बार नहीं हुआ। डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन रिएक्टिव पावर के केस में 120, तो ये अब रूट थ्री, अब ये जो रूट थ्री है ये इधर आएगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 120 को उधर लेके गया मैं, तो डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन इज इक्वल टू 120 by 3 that is equal to 40 kilowatt, इसके इक्वल आ रहा है क्या, देखो रूट थ्री इधर से इधर आया, ये 1 by 3 हो गया और ये 40 kilowatt के इक्वल आ रहा है ना, तो आप यहां पे देख सकते हो W2 minus W1, W1 plus W2, ये दोनों चीज एक साथ आ गई है ना, इसके इक्वल आ गए हैं, तो यहां पे मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन को और इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, तो ये इक्वेशन टू हो गया आपका, ये इक्वेशन वन हो गया, W2 माइनस W1, W1 प्लस W2 दोनों की वैल्यूज है, अगर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड करता हूं, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड करता हूं, तो टू W2 मेरे पास कितना आ रहा है 160 किलोवाट, W2 की वैल्यू आ गई 80 किलोवाट, W2 अगर 80 किलोवाट आ रहा है तो W1 किसकी कितनी वैल्यू होगी, W1 की 40 किलोवाट, ये From equation 1 and 2, so I got option A, 40 kilowatt. तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, राइट। तो यहां पर मैंने क्या मिस्टेक किया था, रूट थ्री वाला, मैंने आपको बोला भी था कि मैं भूल जाता हूं कई बार, पर वो चीज मिस्टेक आपको नहीं करना है, तो ये होगा गलती आपसे एग्जाम में भी कि रूट थ्री को यहां पर नहीं भूलना है, ये जो रूट थ्री था यहां पर रूट थ्री था, पिछले क्वेश्चन में भी क्या हुआ था, हमारा आंसर सही आया था यूनिटी, क्यों, क्योंकि W2 minus W1 सेम हो जा रहा था, पर आपको कभी भी यहां पर रूट थ्री W2 minus W1 नहीं भूलना, राइट। तो ये थे तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और हम देखते हैं, तो चलते हैं फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो ये मेरे सामने क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव है, तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, द लाइन टू लाइन इनपुट वोल्टेज टू द थ्री फेज 50 हर्ट्ज एसी सर्किट इज शोन इन फिगर ऑफ 100 वोल्ट वीआरएमएस। तो यहां पे लाइन टू लाइन वोल्टेज यहां पे गिवन है हमारा 100 वोल्ट वीआरएमएस, 100 वोल्ट वीआरएमएस, ये लाइन टू लाइन वोल्टेज आरएमएस वैल्यू गिवन है लाइन टू लाइन वोल्टेज की 100 वोल्ट, ठीक है। अब assuming that the phase sequence is RYB, phase sequence हमें given है RYB, the wattmeters would read, wattmeters की reading क्या आएगी, यहाँ पे load है, load किस type का दिख रहा है, तीनों loads का magnitude same है ना, और तीनों loads का phase shift भी same है, इसका मतलब कि क्या, impedance angle same है, तो load balanced है, balanced load का case है, दो wattmeters use किए जा रहे हैं,
लाइन टू लाइन वोल्टेज हमें पता है, राइट। ऑप्शंस देखो क्या क्या ऑप्शंस की बात है, यहाँ पे 866 वॉट, W2 886 वॉट, W1 500 वॉट, W2 500 वॉट, यहाँ पे 0, 1000, 250, 750। अब देखो पावर फैक्टर एंगल कितना है भाई, पहले मैं बताऊं पावर फैक्टर एंगल हो गया ये 60, राइट, थीटा हमारा तो 60 डिग्री आ रहा है। अब अगर ये 60 डिग्री है तो फाई अगर 60 डिग्री है, कॉस फाई कितना हो गया 0.5। अब ऑप्शंस को फिर से एक बार देखो ध्यान से, और अपना एक टेबल निकाल, वो जो पेज में आप टेबल बनाए होंगे इफेक्ट ऑफ वॉट रीडिंग्स ऑफ इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर रीडिंग्स ऑन वॉट मीटर में, तो उसमें क्या आप देख सकते हो कि फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री में आपकी वॉट मीटर की रीडिंग क्या जाती है। तो आप देख रहे होंगे उसमें ध्यान से कि जब फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री होता है तो कॉस 30 माइनस फाइव रहता है एक, और एक होता है कॉस 30 प्लस फाइव वॉट मीटर में, तो जो 30 प्लस फाइव आ रहा है उसमें फाइव को 60 डाल दो तो 60 ऐसे ही हुआ, तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, मतलब कि 60 डिग्री पे आपकी वॉट मीटर की दोनों में से कोई एक वॉट मीटर की रीडिंग जीरो होगी। ये हमने कल निकाल के देखा था। तो यहां पर डेफिनेटली ऑप्शन सी में बस W1 इज इक्वल टू जीरो है और W2 में कोई रीडिंग आ रही है, बाकी सारे वैल्यूज में कहीं पे भी एक भी वॉट मीटर की रीडिंग जीरो नहीं हो रही, मतलब कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, राइट। कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सिंपल सा हमें देखना है कि यहां पे इंपेडेंस एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री पे पावर फैक्टर एंगल अगर हमारा 60 डिग्री है तो एक वॉट मीटर रीडिंग जीरो होगी, कौन सी जीरो होगी, VPH IPH cos 30 प्लस 5 वाला जो था, राइट, वो जीरो होगा। तो जैसे ही जीरो हुआ तो यहां पे ऑप्शन सी मैच कर रहा है, बाकी में 500 500। देखो ऑप्शन बी क्या है, दोनों वॉट मीटर रीडिंग सेम है, सेम कब होती है हम निकाल के देखा, हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो किया था वो शायद 30 डिग्री था, क्वेश्चन नंबर 2 जो था वहां पे वॉट मीटर सेम था, तब क्या हुआ था पावर फैक्टर आपका यूनिटी आ रहा था, तो यहां पे तो ये 500 500, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया, राइट। और क्लियरली सी बात है कि अगर फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री है तो ये हम आराम से एनालिसिस किए थे टेबल बना के एक एक पावर फैक्टर्स का, तो जिसमें हमारा W1 होगा क्या जीरो और W2 होगा 1000 वॉट, राइट, ये चीज। अब फोर्थ क्वेश्चन हमको बिना पेन उठाए हम डायरेक्टली इस चीज को देखते ही सॉल्व कर लिए, तो आप कभी भी क्वेश्चन को देख के घबराएंगे नहीं कि 100 वोल्ट है भाई यहाँ पे इंपीडेंस, पूरा एक एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं, डायरेक्टली ऑप्शंस को शूट करना स्टार्ट करो और सोचो कि क्या पहले एलिमिनेट करो कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो सकते हैं, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चन थे 2 वॉट मीटर मेथड के। एक क्वेश्चन में लेता हूं आपका कनेक्शन से, ठीक है, एरर्स वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था एरर्स इन वॉट मीटर में, तो उसके कनेक्शन के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। द रेसिस्टेंस ऑफ टू कॉइल्स ऑफ अ वॉट मीटर आर 0.01 एंड 1000 ओम। देखो यहां पे आपको मैं सर्किट बना देता हूं, RCC करंट कॉइल का रेसिस्टेंस गिवन है 0.01 ओम और RPC गिवन है प्रेशर कॉइल का वोल्टेज 1000 ओम, राइट, 1000 ओम ये गिवन है। अब आप बोलेंगे कि रेसिस्टेंस ऑफ टू कॉइल्स ऑफ अ वॉटमीटर आर 0.01 एंड 1000 ओम में से सर आपको कैसे पता चला कि RCC 0.01 है और RPC 1000 ओम है, तो ये सिंपल सी बात है, प्रेशर कॉइल में क्या होता है कम करंट फ्लो होता है रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, करंट कॉइल में ज्यादा करंट फ्लो होता है रेसिस्टेंस कम होता है, तो जो रेसिस्टेंस कम होगा वो करंट कॉइल का रेसिस्टेंस होगा, जो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा वो प्रेशर कॉइल का रेसिस्टेंस होगा, तो उससे मैंने डायरेक्टली निकाल दिया करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल का रेसिस्टेंस, ठीक है। एंड बोथ आर नॉन इंडक्टिव, मतलब कि यहां पे नॉन इंडक्टिव ले रहे हैं, मतलब कि क्या जो एरर ड्यू टू इंडक्टेंस ऑफ प्रेशर कॉइल जो आता था वो नहीं आएगा, मतलब कि क्या कॉस बीटा वाला जो टर्म था वो नहीं आएगा, यहां पे करेक्शन फैक्टर किसी की भी बात नहीं होगी, बीटा टर्म आएगा ही नहीं क्योंकि यहां पे हम नॉन इंडक्टिव ले रहे हैं, पूरा रेसिस्टिव नेटवर्क होने वाला है, राइट। द लोड करंट इज 20 एम्पियर, लोड करंट आपका 20 एम्पियर है, इस चीज को भी लिख देते हैं यहां पे, लोड करंट इज 20 एम्पियर एंड वोल्टेज अप्लाइड टू द लोड इज 30 वोल्ट, लोड वोल्टेज भी आपका 30 वोल्ट है, VL इज इक्वल टू 30 वोल्ट। अब देखो VL IL गिवन है, तो यहीं से मैं क्या थ्योरेटिकली जो वैल्यू निकालता हूं क्या होती है ट्रू पावर के इक्वल होती है, तो थ्योरेटिकली डायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूं कि ये VL IL ट्रू पावर होगा और ट्रू पावर कितना आ रहा है हमारा 600 वॉट, तो ट्रू पावर तो मेरे को एक ही बार में निकल गया, ठीक है। अब फाइंड द एरर इन द रीडिंग्स ऑफ टू मेथड्स ऑफ कनेक्शन, दो मेथड्स जो है कौन कौन से मेथड्स होते हैं,
एमसी शॉर्ट और एलसी शॉर्ट, आपको याद होना चाहिए दो मेथड क्या क्या होते हैं वाटमीटर में, एमसी शॉर्ट और एलसी शॉर्ट, जिसमें ट्रू पावर हमारा ये है, है ना। और अब एक बार फिर से ऑप्शंस को देखो, क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके डेफिनेटली दिखाऊंगा, पर क्या हम ऑप्शंस को देख के ही आंसर को मार्क कर सकते हैं क्या? देखो हमारे पास ये सारी वैल्यूज गिवन है, ट्रू वैल्यू मेरे पास गिवन है। अब एमसी शॉर्ट और एलसी शॉर्ट दोनों के केस में, एमसी शॉर्ट और एलसी शॉर्ट दोनों के केस में, अब यहां पर तो रेसिस्टिव नेटवर्क है, मतलब कि क्या cos फाइव वाला जो टर्म था वो भी नहीं आने वाला है अब, है ना। तो ये किस टाइप का हो गया, ये आपका एमीटर वोल्टमीटर मेथड और वोल्टमीटर एमीटर मेथड की तरह ही काम करेगा, मतलब कि क्या हमको सिर्फ डीसी को ही मेजर करना है, एकदम इजी है ये, है ना। तो अब क्या ऑप्शंस को देख के आप कुछ बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है? एरर पूछा जा रहा है हमसे, है ना, इन द रीडिंग्स ऑफ टू कनेक्शन। यहां पर देखो 0.1% 0.15% हाई, 0.67% हाई, लो लो हाई, लो लो लो, मतलब कि क्या एरर जो है किसी में नेगेटिव हो रहा है किसी में पॉजिटिव हो रहा है, जहां पे भी लो है एरर वो क्या हो रहा है आपका नेगेटिव हो रहा है, और आपका जहां पे हाई है यहां पे वो क्या है पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, राइट। तो आप बताओ मेजर्ड वैल्यू क्या आने वाला है पॉजिटिव, ट्रू पावर से, मेजर्ड वैल्यू ट्रू पावर से बड़ा ही आएगा ना, क्यों? क्योंकि आपका करंट कॉइल के रेजिस्टेंस के कारण कुछ एरर आएगा जो ट्रू पावर के साथ ऐड होके मेजर्ड वैल्यू देगा एमसी शॉर्ट कनेक्शन में, और एलसी शॉर्ट कनेक्शन में आपका जो प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसमें जो करंट फ्लो होगा उसके कारण कुछ एरर आएगा, तो वो भी आपका मेजर्ड पावर को ट्रू पावर से बड़ा बना देगा, तो इवेंचुअली एरर जो आएगा पॉजिटिव ही आएगा दोनों केसेस में, है ना। तो उस केस के हिसाब से उस चीज को अभी हम अभी सॉल्व करके भी देखेंगे, पर मेरे हिसाब से एक बार चेक करेंगे इसको कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू ट्रू पावर 600 है, तो मेजर्ड वैल्यू होगी वो एरर के कारण दोनों कनेक्शंस में ज्यादा आएगी इस ट्रू पावर से, तो एरर क्या होगा पॉजिटिव होगा दोनों, तो यहां पे 0.15% हाई 0.67% हाई, किसी भी केसेस में लो वैल्यू नहीं आना चाहिए, मेजर्ड मतलब कि क्या मेजर्ड वैल्यू की वैल्यू आपके ट्रू वैल्यू से किसी भी में कम नहीं आएंगे दोनों कनेक्शन में, एमसी शॉर्ट और एलसी शॉर्ट दोनों में। तो एक बार चेक करते हैं, फर्स्ट में लेता हूं यहां पे एमसी शॉर्ट, ट्रू वैल्यू हमारे पास है, एमसी शॉर्ट में आपका कैसा कनेक्शन होता है, ये आपका करंट कॉइल लेता हूं मैं, ये लोड हो गया, ठीक है, एकदम छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, ये आपका प्रेशर कॉइल हो गया और ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये आपका वाटमीटर हो गया सीसी पीसी, है ना, आरसीसी कितना गिवन है यहाँ पे, आरसीसी यहाँ पे करंट कॉइल का रेजिस्टेंस है यहाँ पे 0.01 और ये आपका है 1000 ओम और ये हो गया आपका 0.01, ठीक है। यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है 20 एम्पियर लोड करंट, यहाँ पे वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है हमारा 30 वोल्ट, ठीक है। अब देखो MC शॉर्ट में कैसे हुआ, ये M और C शॉर्टेड है और L भी, ये चीज है ना। तो वाटमीटर की रीडिंग क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू कैसे आती है वाटमीटर की, आप बताइए, कई बार रिपीट कर चुके हैं हम इस चीज को, वाटमीटर की रीडिंग होती है वोल्टेज अक्रॉस प्रेशर कॉइल एंड करंट इन करंट कॉइल, है ना, करंट इन करंट कॉइल एंड वोल्टेज अक्रॉस प्रेशर कॉइल, ये चीज आपको पता है, एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, उन दोनों के जो एंगल होगा उसका हम क्या लेंगे कॉस को साइन करेंगे और फिर उनके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे देखो दोनों पूरा का पूरा नेटवर्क अगर रेसिस्टिव है तो दोनों के बीच का एंगल तो सेम होने वाला है ना, वोल्टेज और करंट दोनों का, रेसिस्टिव नेटवर्क है पूरा, कहीं पे भी इंडक्टिव कैपेसिटेंस कुछ नहीं है, तो कॉस जीरो होने वाला है, दैट इज वन। तो यहां पे हमको क्या देखना है, सिर्फ प्रेशर कॉइल का वोल्टेज करंट कॉइल का करंट, बस वही देखना है और हमको मेजर्ड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो देखो आईसीसी कितना दिख रहा है मुझे यहाँ पे, आईसीसी देखो, ये आईसीसी मुझे आईएल के इक्वल लग रहा है, क्योंकि ये देखो ये 20 एम्पियर तो फ्लो हो रहा है इसमें से, तो आईसीसी हो गया 20 एम्पियर। वीपीसी कितना दिख रहा है मुझे, वीपीसी देखो, अब ये जो आईसीसी है यहां पे कुछ ड्रॉप होगा कि नहीं, करंट कॉइल में कुछ ड्रॉप तो होगा क्योंकि करंट कॉइल का रेसिस्टेंस कितना है 0.01, है ना, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 20 एम्पियर, तो ड्रॉप कितना हुआ 20 × 0.01 कितना हो गया, अगर मैं VCC लिख रहा हूं ड्रॉप इन वोल्टेज करंट कॉइल 20 × 0.01 विच इज हाउ मच, ये हो गया आपका 0.2 वोल्ट, है ना।
और अगर ये 0.2 वोल्ट हो रहा है ना, तो यहां पे वीपीसी कितना आ रहा है आपका, प्रेशर कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है आपका, प्रेशर कॉइल का वोल्टेज यहां पे आ रहा है आपका, ये देखिए यहां से ये आ रहा है आपका वीपीसी इज इक्वल टू 30 + 0.2 वोल्ट, दैट इज हाउ मच 30.2 वोल्ट है ना। तो अब आपका मेजर्ड पावर किसके इक्वल आ रहा है, 30.2 × 20 दैट इज हाउ मच 604 वाट। तो अब आपका एरर परसेंटेज कितना आ रहा है, एरर परसेंटेज आ रहा है 604 मेजर्ड पावर माइनस ट्रू पावर अपॉन मेजर्ड ट्रू पावर इंटू 100। तो ये हो गया आपका कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, तो ये आपका कितना आ रहा है 4/6%। 4/6% कितना होता है 2/3। 2/3 इज हाउ मच आपका 0.667% हाई। तो ये आपका दिख रहा है, एक ऑप्शन हमारा मैच कर गया 67% हाई। तो ये परसेंटेज एरर क्या आ रहा है 0.67% हाई, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू आपका ट्रू वैल्यू से बड़ा है। ये हो गया राइट। अब एलसी शॉर्ट करोगे जब, सेकंड केस आप ले लो, यहां पे मिटा देता हूं मैं ऊपर वाला चीज, राइट। तो एलसी शॉर्ट आप मेरे सॉल्व करने से पहले एक बार खुद से अटेम्प्ट कर देखो, हमको ऑप्शन पता चल चुका है कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि वहां पे मेजर वैल्यू हमारा ट्रू वैल्यू से बड़ा आने वाला है डेफिनेटली। तो आप मेरे को एक बार एलसी शॉर्ट करके, एलसी शॉर्ट कनेक्शन के केस में आप मेरे को बताओ कैसे हम फाइंड करेंगे मेजर वैल्यू को। तो ये आपका हो गया एलसी शॉर्ट, तो लोड के अक्रॉस अभी भी कितना है 30 वोल्ट है, करंट कितना फ्लो हो रहा है 20 एम्पियर, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है 1000 ओम, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है 0.01 ओम। अब आप बताइए वीपीसी कितना है, वीपीसी आपका डायरेक्टली एल सी एम वी, डायरेक्टली यहाँ पे एल और इस पॉइंट के बीच वोल्टेज कितना आ रहा है 30 वोल्ट आ रहा है, तो डायरेक्टली आपका वीपीसी कितना हो गया 30 वोल्ट है कि नहीं। यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस प्रेशर कॉइल जो है वो डायरेक्टली आपका कनेक्टेड है अक्रॉस द लोड, तो यहाँ पे वीपीसी आ गया 30 वोल्ट। ICC निकालो, ICC कैसे निकालोगे, ICC होगा लोड करंट प्लस यहां पे करंट कॉइल किसके, करंट कॉइल के करंट किसके इक्वल होगा, प्रेशर कॉइल के करंट प्लस लोड करंट के इक्वल है ना, दोनों का सम, तब यहां पे दोनों का सम होते हुए इधर से आएगा और फिर लोड करंट इधर निकल जाएगा और प्रेशर कॉइल का करंट इधर निकल जाएगा। तो IL प्लस IPC जो कि कितना है 20 प्लस आईपीसी कैसे निकालोगे, 30 वोल्ट है उसके अक्रॉस और रेजिस्टेंस कितना है 1000, तो ये कितना हो गया 20.03 है कि नहीं। ये हो रहा है आपका करंट राइट, तो ये आपका करंट आ गया, करंट दिख रहा है कि नहीं, 0.01, 0.2, 20.03 राइट। अब अगर ये आ गया वीपीसी और आईसीसी तो पावर कितना आ रहा है, मेजर्ड पावर 30 × 20.03, इसको एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं अपन, तो ये कितना आएगा आपका, चेक करो इसको कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर से इसको एक बार चेक करते हैं इस वैल्यू को हम, तो कैलकुलेट करने पर पास हमारे पास वैल्यू जो आएगी 600.9 वॉट आएगा, और एरर परसेंटेज जो अगर आप निकालोगे तो वो हो जाएगा आपका 600.9 − 600/600, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 0.1% हाई आ जाएगा राइट। तो देखो ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत थी क्या, नहीं, हम डायरेक्टली यहाँ पे देख के आप बता दिए थे कि ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन में भी हमको कोई कैलकुलेशन करने की नीड नहीं पड़ी, हमने डायरेक्टली कैसे बता दिया, पावर फैक्टर एंगल देख के। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना, सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, अगर आप डिटेलिंग में पूरे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो आपको शॉर्टकट ना अपने आप आपका कैलकुलेशन स्पीड शॉर्टकट ट्रिक्स आपको खुद ही समझ में आना चाहिएगा। जिसका कॉन्सेप्ट वीक होता है ना उसको समझ नहीं आता कि भाई अब आगे क्या करना होगा, इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। एक बार आप चैप्टर जब पढ़ते हो, थ्योरी जब पढ़ते हो, तो उसको एकदम आराम से पढ़ो, उसको स्लो स्लो पढ़ो, एकदम ग्रास्प करो, नोट्स अच्छे से मेंटेन करो, क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस करो, तो उसके बाद आपको अपने आप आपके स्पीड बढ़ने लग जाएगा, तुरंत क्लिक करेगा आंसर राइट। तो ऑप्शंस को भी देख के आपको समझ में आने लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है राइट। तो ये आपका 5 क्वेश्चन थे 2 वाटमीटर मेथड से। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर पूरा कंप्लीट होता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनर्जी मीटर होने वाला है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो होगा राइट।
Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।